तो देखिए है ना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अपने पास में कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल कॉस ए के प्लस कॉट ए है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको एक हिंट देकर के रखी है कॉस और कॉट वाली जो सर्वसमिका है उसके प्रयोग से, मतलब कि कॉस स्क्वायर इज इक्वल है ना, क्या सर्वसमिका, हाँ वो क्या देकर के रखी है अपने को सर्वसमिका, कि सर्वसमिका देकर के रखी है, बोलिए क्या है सर्वसमिका, हाँ कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग कीजिए, ठीक है, यही बोला है सवाल में हमको। अब एक चीज तो हमको समझ में आ रही है कि यहाँ पर कहीं कोई स्क्वायर नहीं है, है क्या कहीं कोई स्क्वायर नहीं है। और दूसरी चीज एक और समझ में आ रही है आपको एलएचएस के साइड में देख करके, सॉरी आरएचएस के साइड में देख करके, एलएचएस तो ये हमारा आरएचएस ये है, हम एलएचएस को लेंगे और आरएचएस लाएंगे, आरएचएस को देख करके एक चीज समझ में आ रही होगी कि इसमें कॉसेक है और कॉट है, कॉसेक और कॉट, तो कॉसेक और कॉट की तरफ जाना है हमको, तो हमको यहाँ पर जो साइन है उसको बदलना पड़ेगा ताकि वो कॉसेक में बदले, तो कैसे बदलेंगे उसको भी देखते हैं, है ना। सबसे पहले यहां पर हम क्या ले लेंगे, एलएचएस लेने पर, ठीक है, तो एलएचएस लेने पर एलएचएस हमारा क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब यहां देखिए आप एक बार को सोच के देखो कि कैसे यहां पर कॉट बन सकता है, क्या कॉस कॉट में बदल सकता है, बदल सकता है कैसे, अगर मैं कॉस को साइन से भाग दे दूं, अगर कॉस को साइन से भाग दे दिया तो कॉट बदल जाएगा, कॉट में बन जाएगा वो, चलो साइन को साइन से भाग देंगे तो वो तो एक आ जाएगा क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा, भाग चला जाएगा उसमें, और एक के बटे में साइन अगर आएगा तो कॉसेक बन जाएगा, अरे बन जाएगा कि नहीं कॉसेक, तो सीधा आपको समझ में आ गया कि कॉसेक भी मिल गया आपको और कॉट भी मिल गया, कैसे मिला, साइन से भाग देकर, क्या करके, साइन से भाग देकर। तो हम इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में साइन से भाग दे देंगे, तो साइन ए से, साइन ए से अंश व हर में भाग देने पर, ठीक है, चलो भाग देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉस ए को भाग दिया साइन ए से, फिर माइनस लगाया, फिर साइन ए को भाग दिया किससे, साइन ए से, फिर प्लस, फिर वन को भी भाग देंगे साइन ए से, क्योंकि पूरे में लगा रहे ना अपन भाग, और ये पूरे का बटे हो गया, फिर वही कॉस ए को भाग लगाया साइन ए से, फिर प्लस साइन ए को भाग लगाया साइन ए से, फिर हमने क्या किया, अब माइनस वन के अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ए, समझ में आ रहा है, और ऐसा क्यों किया समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हमारे पास में आरएचएस में कॉसेक और कॉट है, तो हमको उधर की तरफ सोचना पड़ेगा कि वो कैसे आएंगे, तो आपको पता है कि कॉस बटे साइन कॉट होता है और एक बटे साइन कॉसेक होता है, तो अगर हम इसको साइन से भाग दे दे तो यहाँ पे कॉट और यहां पर कॉसेक आ जाएगा, मतलब हम कॉसेक और कॉट की तरफ चले जाएंगे, इसके लिए यहां पर भाग देंगे हम। तो आप कॉस बटे साइन आपको पता है क्या होता है, अरे क्या होता है, कॉटे होता है कि नहीं, कॉस बटे साइन कॉट हुआ, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया, और प्लस वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसे क्या होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा कॉसे के, अरे आएगा कि नहीं आएगा, अगले में क्या आ जाएगा, कॉस बटे साइन क्या बन जाएगा भाई, कॉटे, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया वन आ गया, और माइनस वन अपॉन कॉसे के साइन क्या आ जाएगा कॉसे के, अरे आएगा कि नहीं आएगा, यहां तक समझ में आया आपको कि नहीं आया, चलो अब देखो अब क्या कर सकते हैं, और अब इसको हम क्या करेंगे कि कॉसे के प्लस में है ना, उसको इधर सामने लिख देंगे, ठीक है, कॉसे के काय में प्लस में है, उसको इधर सामने लिख देंगे, देखो ये हो गया कॉटे, हो गया कॉटे, और प्लस फिर क्या आ जाएगा कॉसे के, और माइनस का क्या हो जाएगा वन, होगा कि नहीं होगा, और अपॉन में भी थोड़ा ऐसे ही लिख लेंगे, कॉट ए फिर माइनस कौन आ जाएगा कॉसे के, और प्लस का क्या हो जाएगा वन, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे, देखो यहाँ पे प्लस में कॉसेक है और यहाँ पे माइनस में कॉसेक है, यहाँ माइनस वन है और यहाँ पे प्लस में वन है, तो कोई भाग भाग नहीं जा रहा इसमें, आ रही बात समझ में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो अब आगे क्या करेंगे,
देखिए अब आपको उन्होंने जो सौर समीकरण का प्रयोग करने के लिए बोला है उसका प्रयोग करेंगे, है ना। तो हमारे पास में ये दोनों स्क्वायर में है लेकिन यहां कोई स्क्वायर नहीं है, मतलब हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो हमको ये पता होना चाहिए कि वन की वैल्यू भी तो हो सकती है कुछ, तो क्या करेंगे यहां पर हम, देखना आगे क्या होगा। पहले तो यहां जिसको यूज किया वो लिखेंगे। देखो आपने किस क्या किया है कि ये जो कॉट कैसे लिख दिया आपने यहां पे, तो कॉट आपने लिखा है, कॉट किसकी वैल्यू लिखी है आपने, कॉस ए अपॉन में साइन ए की वैल्यू, और कॉस ए के किसकी वैल्यूज लिखी है आपने, वन अपॉन साइन ए इज इक्वल क्या लिखा है, कॉस ए के। अरे ऐसे ही किया है आपने, हाँ। तो ये दो वैल्यूज आपने लिख दी। अब आते हम लोग यहां से वहां पर, तो क्या करेंगे हम कि इस सर्वसमिका को बदलेंगे, इस सर्वसमिका को क्या करेंगे हम बदलेंगे, प्रयोग योग्य बनाएंगे, क्योंकि इसमें कॉस ए स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, जबकि हमारे पास में कहीं पर भी नहीं है कि हम उसका प्रयोग कर सके। तो हम क्या करेंगे, वन को यही रहने देंगे और प्लस का कॉट स्क्वायर इधर कायम आएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई, तो यहां हम सर्वसमिका को यूज करते हैं। देखो सर्वसमिका हमारे पास में जो है वो क्या है, कॉस ए स्क्वायर इज इक्वल क्या है, वन प्लस कॉट स्क्वायर। अरे है कि नहीं है, तो इसको हम ऐसे वाली यूज करेंगे। देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल वन, आ रही क्या बात समझ में कि नहीं आ रही है, तो हम इसको प्रयोग में लाएंगे। अब कहां आएगी, तो वन के जगह पर आएगी, किसके जगह आएगी, वन के जगह पर, तो वन के जगह पर हम लिख देंगे। अब इसमें मत लिखना, ठीक यहीं पर चेंज करेंगे, ठीक है, है ना, या तो यहां करो या तो यहां करो, अपन ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, यहां चेंज करेंगे। तो देखो कॉट ए प्लस कॉस ए के जैसा का वैसा रहेगा, कॉट ए प्लस कॉस ए के, और फिर ये वाला माइनस लगाया मैंने, ठीक है माइनस, और अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पूरा कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में, हर जैसा का वैसा रहेगा, क्या रहेगा, कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन, ठीक है, इतना भी समझ में आया। अब जरा ध्यान देना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग लिख सकता हूं, मतलब क्या ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ये, अरे होगा कि नहीं, हाँ। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉट ए प्लस कॉस ए के, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, बड़े का चिन्ह अभी भी रहने दो, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबरी से होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको ए प्लस बी लिखेंगे एक बार और एक बार ए माइनस बी लिखेंगे। आए की बात समझ में कि नहीं आई, एक बार क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार क्या लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस वन कॉट ए के, है ना, कॉट ए कॉट ए, अरे ऐसा लिखेंगे कि नहीं, चलो ये चिन्ह बदल दो, कुछ नहीं हो रहा उसमें, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, और आगे देखेंगे तो इसको भी अब मैं कोष्टक बना दूं, बना दिया, आप अच्छे से ध्यान देना, इसको मैंने कोष्टक बना दिया है, तो कॉट ए प्लस कॉस ए यहां पर भी है और कॉट ए प्लस कॉस ए यहां पर भी है, क्योंकि प्लस में संख्याओं को इधर उधर किया जा सकता है, तो पहले कर दूं संख्या या डायरेक्ट निकाल ले बाहर, देखो मैं पहले बदल देता हूं, तो ये धन में इधर उधर हो सकता है, तो ये एक स्टेप बढ़ेगी और क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक कोष्टक में फिर माइनस, फिर वापस से क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, और अगले कोष्टक में क्या आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब देखो यहां पर भी है और यहां पर भी है, इन दोनों को क्या कर लेंगे हम, यहां पे कॉमन निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। आई क्या बात समझ में, तो कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन क्या निकल गया भैया हमारे पास में, कॉस ए के प्लस कॉट ए, ये कॉमन आ गया, और अब बड़े कोष्टक में इसकी जगह पर आएगा वन, इसकी जगह क्या आएगा, और इसकी जगह पर भी क्या आएगा, वन, और मल्टीप्लाई में कौन रहेगा, ये रहेगा, तो मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा भैया हमारे पास में कोष्टक में, कॉस ए के माइनस कॉट ए, अरे आएगा, हाँ। अब ये कोष्टक छोटा वाला बंद, अरे बड़ा वाला बंद, अब आएगा नीचे जैसा का वैसा, कॉट ए माइनस
कॉस ए के प्लस वन, इसको भी आप कोष्टक में लिखना चालू करो। देखो अब ये जैसा का वैसा रहेगा, कॉस ए के इसको कुछ नहीं होगा और ये कॉट ए, अब देखो जरा ध्यान दो ये आ गया कॉस ए के प्लस कॉट ए है हमारे पास में, देखो कॉस ए के प्लस कॉट ए है मतलब इधर का हमारा लेफ्ट हो जाना चाहिए। तो अब देखो क्या होगा, वन तो जैसा का वैसा रहेगा रहेगा, ये माइनस का गुना कॉस ए के में होगा तो माइनस कॉस ए के आएगा, बात समझ में आई? हाँ, ये माइनस कॉस ए के होगा और माइनस का गुना जब माइनस के साथ में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस कॉट ए। अरे भाई बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, यहां तक तो आ गई है। चलो अब मैं क्या करता हूं कि ये जो प्लस का वन है ना इसको सामने लिख देता हूं और ये प्लस का कॉटे जो है इसको पीछे लिख देता हूं। देखो प्लस का वन सामने, प्लस का कॉटे पीछे, और प्लस में संख्याओं को आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है? प्लस में संख्याओं को हाँ किधर भी किया जा सकता है। आ रही ना बात समझ में कि नहीं आ रही? अरे आ रही बात समझ में? हाँ, तो क्या करेंगे हम अगले वाले में, यहाँ पे प्लस वन यहां लिखेंगे, मतलब ये वाला जो प्लस वन है वो मैंने यहां लिख दिया, माइनस कॉस ए के जैसा का वैसा, और कॉट ए को बाद में लिखेंगे, तो ये मैंने कॉट ए के लिख दिया, कॉट ए लिख दिया। ये देखो ये कैंसल हो गए दोनों, अरे गए कि नहीं, कैंसल हुए कि नहीं, और आपका आ गया आर एच एस कॉस ए के प्लस कॉट ए। अरे आया कि नहीं आया? एल एच एस इज इक्वल कौन हो गया? आर एच एस। ये सवाल ऐसे का सवाल आपने और एक किया है याद है, ऐसे का एक क्वेश्चन किया था अपने साथ, ऑब्जेक्टिव वगैरह किया था जिसमें वन को अपने चेंज किया था, वन को करके चेंज किया था, उसमें साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए था, और फिर सेम ऐसे ही किया था क्वेश्चन।